और भाई क्या हाल चाल। तो आगे एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मिल लिया है 70% मैंगो और 30% मिल लिया है ज़ाफ़रान। इसको हम प्रॉपर मिक्स करेंगे। पता है गाइस, फ्लेवर मिक्सिंग करने के बाद भी ये पत्ता रह जाता है, ये है ना ये पीसेस। इसको हमको कट करना पड़ता है। देखो, या तो हम इसको कट कर सकते हैं या तो इसको निकाल के फेंक सकते हैं। फेंकना हमें परवड़ता नहीं है कि गाइस, अगर इसको हम निकाल के फेंके तो 20 से 30% ये पत्ता निकलता है। इसको फेंकना तो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा इसको हम चॉप करें, तो चॉप किया जाए। हो गया गाइस, मक्खन जैसा चॉप हो गया मेरा फ्लेवर। और ये रहा मेरा 2 नंबर चिलम। ये मैंने चिलम में फ्लेवर डाल लिया। इसको हम साइड करेंगे, इसको हम उंगली से भी कर सकते हैं, बट उंगली से करेंगे ना तो फ्लेवर चिपक जाता है गाइस। एक्चुअली ये अब स्टिक से या सीजर से जो करते हैं वो घर में ही कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अरे कैफे में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिन में 50-60 हुक्का बनाना पड़ता है हमें। तो इससे करते फिरेंगे हम तो हमारे कस्टमर भाग जाएंगे। फिर भी कभी आपको ज़्यादा स्मोक निकालने का मन करे तो हमें बोल दीजिएगा कि विक्की तुम्हें ज़्यादा स्मोक चाहिए तो स्टिक से बना के दे फ्लेवर, तो मैं आपको ऐसे बना के दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी ऑयल लगाता हूँ मस्त से मेरे चिलम में। सुनना, तो ये मेरा मत सा चिलम बन के तैयार है। अब इसमें हम कोल डालेंगे और मजे लेंगे। इसमें कुछ और ऐड करना है लेकिन फ्लेवर में नहीं, बेस में ऐड करना है। तो वीडियो में आप बने रहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था गाइस कि थोड़ा कुछ ऐड करना बाकी है, इसको मैंने बेस पे मैंगो मिल्क शेक ऐड किया गाइस। एक्चुअली जो मैंगो फ्लेवर का टेस्ट होता है ना वो इतना रॉ नहीं होता, हल्का सा आता है मैंगो का फ्लेवर। बट बेस में हम इसको जूस ऐड करेंगे मैंगो का, या तो मैंगोला या माजा कुछ ऐड करेंगे, या मैंगो मिल्क शेक ऐड करेंगे, तो उसका टेस्ट बूस्ट होता है गाइस। तो आपको बताने वाला हूँ अभी टेस्ट कैसा है इसका मैं पी के। फिलहाल मैंने कोल भी डाल दिया और मिल्क शेक भी डाल दिया बेस में, और हुक्का रेडी है। तो देखते रहिए, आपको बता रहा हूँ मैं कैसा फ्लो आता है और कैसा टेस्ट आ रहा है। ओके गाइस, प्रॉपर फ्लेवर गाइस मैंगो का। ऐसा लग रहा है मैं मैंगो स्मूदी पी रहा हूँ गाइस, वैसा टेस्ट मैंगो का गाइस। आप यही फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं हमारे कैफे में आके। प्लीज़ इस फ्लेवर के लिए पूछना आपको, ठीक है। ये थोड़ा महंगा रहेगा क्योंकि इसमें मैंने बेस में डाला है मैंगो मिल्क शेक, तो ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। जो मैंगो मिल्क शेक का प्राइस है वो ऐड हो जाएगा, प्लस आपका जो फ्लेवर का भाव है वही ऐड हो जाएगा। तो गाइस, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे ये फ्लेवर पी के। तो ये फ्लेवर आपको मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे फिल्टर कैफे में गाइस। तो जैसे कल आओगे आप, मुझे इस फ्लेवर के लिए आप पूछना ज़रूर। ट्रस्ट मी गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत सही फ्लेवर आ रहा है गाइस। मस्त वाला स्मोक गाइस और मस्त वाला टेस्ट। तो बाहर हमारा गेस्ट बैठे हैं, उनको टेस्ट कराते, उनका रिव्यू लेते गाइस। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए आगे।